एचआर न्यूज़ देखने वाले सारे भाइयों ने विक्रम जांगड़ा की राम राम भाई। मैं दोबारा से लौटा हूँ का संडे गाँव, जो आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा था। अगर नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर जाकर देख लो मामला के था। लेकिन जो नए आए हैं उन्हें बता दूँ, यहाँ पर मामला है वो लड़की वाला, एक सोनिया है, सोनू की वाइफ, जो अपने तीन बच्चों ने छोड़ कर, घर परिवार ने छोड़ कर, सब का लात मार कर रफू चक्कर दोबारा से आए हैं। कुछ बातें थी जो नहीं हो पाई थी, करेंगे भाई से बात। तो यहाँ पे आ जा भाई, कैमरा मैन आगे आ जा। राम राम भाई साहब। राम राम भाई। यू भाई है सोनू, वो जिसकी वो वाइफ है। तो भाई साहब कुछ अता पता लगे है अपने? ना कोई पता नहीं, अब तक नू भी नहीं पता चल लिया कहाँ पे है कहाँ पे नहीं। चलो चलो बैठो, बात करते हैं, इधर आ जाओ। तो भाई सोनू, पिछली बार हमने बात करी थी, सारी बातें आपने कुल मिलाकर बताई दी थी, लेकिन दो चार बात और आई हैं सामने जिनके बारे में बात करना भी बहुत ज़रूरी था। तो लगातार आप प्रशासन के पास भी जान लग रहे हो, सीएम के भी आपने पिछली बार बताया था कि भाई मैंने अपील करी है, दरख्वास्त लगाई है, वहाँ से कोई रिस्पॉन्स? कल लगा कहा था सीएम विंडो में। अच्छा, आपने कल लगाई है सीएम विंडो में, वहाँ से भी अभी तो मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता इस बारे में। तो ये बताओ, जो लड़की के मायके हैं यानी आपके ससुराल वाले हैं, उनका क्या कहना इस बारे में? वो तो हमारे साथ है, बोला जी अंजित का हो गया उड़ हट जाएंगे हम तो, लेकिन उन्हें एक बार मिल तो जाओ। तो जो लड़का है वो बजाना गांव का, आपने बताया था रिंकू उसका नाम था, सुभाष उसके पिताजी, सुभाष उसके पिताजी का नाम है भाई। बजाना गांव का भी कोई इस वीडियो ने देखने लग रहा हो तो इस बात के ऊपर जरूर गौर फरमावे। थारे गांव में रिंकू है जिसका पिताजी का नाम सुभाष है, एक्सपायर हो रहा है उसका पिताजी, सॉरी पिताजी उसके एक्सपायर हो रहे हैं, लेकिन गाँव में जानकारी जरूर होगा इस बारे में। अगर कोई इस वीडियो ने बजाना गांव का देखने लग रहा है या कोई रिलेटिव है उसका, तो वहाँ पर ट्रांसफ़र ज़रूर मारो भाई इस वीडियो ने। मेरी उस परिवार से एक अपील है कि अपने लड़के ने ढूंढो, अपने लड़के से बात करो, कांटेक्ट करो, और इस भाई ने इसकी जो अमानत है, इसकी जो इज्जत है घर की, इसके बच्चे की जो माँ है, उसने वापस लौटा दो। तो भाई सोनू न्यू बता, जब आपने उनके जो मायके हैं जो वाले हैं जो आपके साथ हैं, कभी उन्होंने ऐसा पॉइंट देखने को नहीं मिला कि कदे वह शादी से पहले उसके साथ हो? ना कोई वो नहीं था। यू जो इसका जो सिस्टम उसके साथ चल रहा था, इसको अंदाज़ा कितना टाइम हो गया? इसका पता नहीं था, मैंने तो शादी में पता चला था जब इसके मम्मी लड़की ने बताई थी। मतलब कितना टाइम होगा अंदाजा उन बातों को? हो गया 5-6 महीने हो गए भाई। 5-6 महीने भाई ने बताया, हो सके कुछ तो 2-4 महीने पहले तो चल रहा होगा, क्योंकि आजकल ऐसा टाइम नहीं, काम नहीं है कि मतलब फंसे ना कोई, लगातार 1-2 महीना बात करते सारे फंस फंस जाग रहे। तो भाई ने भी बताया 5-4 महीना तो उसने बेरा पट्टी था, 2-3 महीने उसका पहले चल रहा होगा, कुल मिलाकर साल भर की बात कह सका। तीसरा महीना तो जाए ना हो गया, तो 1-2.5 महीने मैंने पकड़े ली थी, बात कर दी, समझाए बतेरी, कुल मिलाकर साल भर हो गया। बात ने कह सका भाई साल भर तो उसका उसके साथ है, चक्कर होगा हमने तो पता नहीं। साल भर में एक साल किसी लड़के से बात करने के बाद सोनिया तने पूरा परिवार के लात मार दी, अपने माँ बाप से जो उनकी नाक कटवा दी। इनका तो ठीक है, इतना आड़े इतना इतने जाने थे भाई, मान लो पड़ोस पड़ोस के जानते होंगे भाई फलानी सोनिया कोई है, लेकिन उसने देखते रहे माँ बाप ने सारे जानने लग रहे हैं जिनका तू पैदा हो रही है, उनका केक होट था। तो भाई संदीप सोनू कदे फोन फान को मैसेज मुसेज कुछ इसी चीज़ आई है तेरे सामने? ना कुछ नहीं के जाने के बाद, ना कोई नहीं, फोन बंद था दोनों आगे। अच्छा, तो भाई भाई ने बताया कि इसके जो मायके वाले हैं लड़की के, वो सारे इसके साथ हैं, लेकिन समस्या यह है कि उसका बेदन लागन लग रहा, और समस्या यह है कि हमारा प्रशासन कुछ करने लग रहा, और समस्या यह है कि कानून इसमें कुछ बदलाव नहीं करने लग रहा। मैं कानून ने बंद करने की बात नहीं कह रहा हूँ, कानून ने बिल्कुल रोकने की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन इसमें कुछ बदलाव बहुत ज़रूरी हैं। रिलेशनशिप जो मामला है, लिविंग रिलेशनशिप मामला, यू भी बहुत ज़रूरी है। यो जो आप फोटो देखने लग रहे हो, यो लड़की है सोनिया, अगर आपने भी कहीं पे यह लड़की दिखा है तो इसको ज़रूर समझाओ, इसको घर पे वापस भेजो, और सरकार से भी मेरी अपील है, कानून से मेरी अपील है कि इसमें कुछ चेंजिंग ज़रूर करो, और चेंजिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिलेशनशिप जो मामला है वो बिल्कुल बंद तो नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अगर बंद हो गया तो बाद में इसके रिज़ल्ट जो है गलत आएंगे, लेकिन आज चालू है, इसके रिज़ल्ट आज भी गलत आने लग रहे हैं। तो भाई साहब आप क्या कहना चाहोगे कि इस जो लिविंग रिलेशनशिप है इसको बिल्कुल बंद करना चाहो या फिर थोड़ा बहुत रखना चाहो? मैं तो चाहूँ कोर्ट मैरिज भी बंद हो जाए, लिविंग रिलेशन भी सब कुछ बंद हो जाए, जब जाके किसी की बाण बेटी बस कर खाऊँ ना तो नहीं बात जाएंगे।
भाई ने भाई दर्द है भीतर में उसके खातर यू भी कहने लग रहा कि यू जो लव मैरिज एक तो बिल्कुल बंद, लिविंग रिलेशनशिप बिल्कुल बंद करो। मैंने नहीं पता भाई की बात ने कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, मैंने नहीं पता मेरी बात ने कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, लेकिन सारा समाज अगर मिलकर सारा देश अगर मिलकर इसके ऊपर आवाज़ उठाएगा तो एक दिन इसके ऊपर सरकार ने झुकना पड़ेगा। किसान आंदोलन चलाया था, कौन नहीं झुकया? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कह रहे थे कि भाई यो कानून बंद नहीं होगा, यो चीज़ नू नहीं होगी, लेकिन होया। तो ऐसे ही लिविंग रिलेशनशिप भी बंद हो सके और इस भाई जैसे कई परिवार है जो उजड़न तक बच सके हैं। तो सारे भाइयों से अपील है कि इस वीडियो ने शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, और इस चीज़ के ऊपर भी आंदोलन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने मुद्दा ज़रूर उठाओ और आवाज़ उठाओ। लिविंग रिलेशनशिप है इसने ज़रूर बंद कराओ। भाई कुछ कहना चाहो? भाई जो भी कमेंट करे गलत विचार मत करो, या कल ने बाण बेटी थारी गेल भी कर दे तो गलत कमेंट मत करो। बिल्कुल बढ़िया बात कही है भाई ने। भाई कोई भी भाई ऐसा कमेंट ना करियो जिस तरह इस भाई के हृदय ने या किसी और के हृदय ने मतलब दुख हो, ऐसा कमेंट बिल्कुल नहीं करना है। अगर पॉजिटिव आपके दिमाग में कुछ आवे तो कमेंट कर दियो भाई, नहीं कमेंट करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ टोंट मारने खातर आ गए, वह अपनी तरफ नहीं देखते कि हम किसे हैं। तो भाई ऐसा कमेंट ना करियो जिस तरह इस भाई के हृदय ने चोट आवे और आप भी लज्जित हो। कई भाइया ने जमींदार मीडिया में ने गलत मेरे साथ कमेंट करे हैं, मैं उन हाथ जोड़ कर विनती करूँ कल न बाण बेटी थारी भी है और मारी भी है, ये गलत विचार मत भेजा भाई। सोनू तने कहने की जरूरत है को ना, गलत कमेंट वो एक रहा जिसने खुद ही करके इज्जत का नहीं मेरा हूँ, ठीक है? बाकी मैंने सारी बात इन सब तक बता दी है भाई, किसी ने अपनी इज्जत का बेरा होगा तो यूँ काम वो करे को नहीं, ठीक है? और जो नीच हरकत करनी है तो अपने आप दिख जाए अगर, वो अपने आप करके बता भी दिया अगर, तो इस बात में तने किसी का हाथ जोड़ने की जरूरत को ना, ठीक है? तो धन्यवाद दोस्त। मैं एक बार पवन पंडित जी के पास इनको भेजना चाहता हूँ, उसके सवाल जवाब कुछ करके ले आवे, वीडियो बना के ले आवे। उसने मृत थाने में पैसे देने की बात करी थी, एक पैसे दुआ दूंगा आगे इस केस को रफा दफा कर दे। भाई एक सामने एक नाम और सामने निकल कर आ रहा है, पवन पंडित जी आपके गाँव का ही है भाई? इसी गाँव का एक पवन पंडित जी है जो भाई पुलिस स्टेशन गए होंगे, वहाँ पर समझौता करने के लिए पैसे की बात इन्होंने की है, तो उन्होंने कहा है कि भाई पैसे दे देंगे और तुम समझौता कर लो। उसने बोला था कि न चार दिन का टाइम दे दे, ये पेश कर देंगे, उन्होंने पेश नहीं कराया। फिर तो मेरे तो एक साइड में ले जाकर कब है तेना खर्चा पानी या पैसे दिवा देंगे, इस केस न रफा दफा कर दे, घर मेरा उजड़ रहा है, कल न उसका उजड़ जाए फिर वो पैसे ले लेगा। भाई तो चाड़ा हो गया भाई कती, फिर तो पीसा पीसा रह गया। पैसे में भाई तो समझौता करें, लेकिन जो इसका घर बर्बाद हो रहा है उसके सब उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। जो गरीब है वो परिवार, जो भाई मतलब गरीब परिवार तो बिलोंग करे तो इसका मतलब सारे इसका मजाक बना रहे हैं। अगर इसने पिसाई की भूख होंगी तो फिर यू के जरूरत इसने ब्याह कराने किया, यू कुछ और काम करता। तो भाई ज़्यादा बात नहीं करते हैं, सिर्फ दो ही बात पूछनी थी, क्योंकि भाई ने बताया कि मायके वाले साथ कई बार ना उन मायके वाला पक्ष जो होता है ना वो भी खिलाफ हो जाए इस मामले में, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। और वो दोबारा फिर भाई गलत कमेंट ना करियो। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।